हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आज हमारा नवरात्रि का फोर्थ डे है। हमने अपनी वॉक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, वर्त है तो क्या हुआ, हम अपनी वॉक तो कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी वीकनेस नहीं फील होगी अगर हम हेल्दी डाइट से प्रॉपर तरीके से हम अपना बैलेंस करके डाइट लेंगे। नवरात्रों में ये नहीं होता कि आप अपने आप को भूखा रख के ज़्यादा अच्छी तरह से व्रत कर सकते, नहीं। आप फलाहार भी अगर कर रहे हो उसे भी प्रॉपर तरीके से कीजिए, ज़्यादा फ्रूट्स की तरफ ही मत जाइए तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा चिप्स और लड्डू और इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर अंदर इंटेंशन आ रही है कि शायद मेरे ऊपर ना ये लड्डू वाले या दूसरे जो नवरात्रों के होते हैं जो सामान बिकते हैं वो मुझ पे ना केस कूस ना कर दें कि हाँ जी ये तो हमारा खाना खाने के लिए मना कर रही है। मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि उनमें कैलरीज बहुत ज़्यादा होती है, और कैलरीज ज़्यादा होती है जिससे हमारा फैट बढ़ता है। तो अगर हमने अपने अच्छे खासे इंचेस लूज करने हैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना होगा। नवरात्रों में हम अगर आप डेली मेरा वीडियोस देखा कीजिए और नेक्स्ट डे सेम आप फॉलो करके अपना अच्छा खासा वेट कम कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होगी है, मतलब अब ऐसा लगता है कि छोड़ वॉक और ना घर पे जाके आराम से सो जाओ, तो ये फीलिंग अपने अंदर नहीं लेके आनी क्योंकि यही टाइम है, बेस्ट टाइम है जिस टाइम आप अपना वेट कम कर सकते हो। आगे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आपने सर्दियों का वेट नहीं करना। तो अपनी वॉक कीजिए, वॉक से आप अपने आप को इतना शांत महसूस करोगे ना, मुझे देख के कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने फास्ट रखे हुए हैं, मुझे ज़रा सी भी वीकनेस नहीं। और ये वीकनेस इसलिए नहीं है क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से सैलेड्स भी ले रही हूँ, फ्रूट्स भी ले रही हूँ। हाँ, जब मेरे फास्ट होते हैं थोड़ा सा मैं सैलेड्स वगैरह से थोड़ा सा दूर करती हूँ क्योंकि मुझे फास्ट वगैरह में सैलेड से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आपने नहीं रहना, जब मैं वेट लॉस जर्नी पे थी तब मैं बहुत ज़्यादा सैलेड्स खाती थी। सैलेड्स से हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी बॉडी है, वो बहुत अच्छी होती है जिससे हम हेल्दी रहते हैं। तो डेली आप एक प्लेट तो सैलेड खाइए ही खाइए। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर फास्ट नहीं रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नॉर्मल अपना घर का खाना खा के अच्छी तरह से च्यू करके और कोई बैलेंस डाइट अपनी बॉडी के हिसाब से चुनिए कि मुझे इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, आप भी अच्छा खासा वेट कम कर सकते हो। करते करते कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अब देख सकते हो कि मौसम कितना साफ हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है कि मेरे बेटे का स्कूल जाना है तो मुझे अपनी वॉक थोड़ी देर और कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे अपनी वॉक बंद करनी पड़ेगी। तो आपने वॉक हमेशा ऐसे जो जो मुझे ये बोलते हैं कि दी हमें अपना बेली फैट कम करना है, थाई फैट कम करना है, यस जो भी, आप फास्ट वॉक कीजिए। अगर आपका वेट स्टक हो चुका है आपका फास्ट वॉक से ही होगा। और भी आप जाके डिटॉक्स वाटर ले सकते हो क्योंकि अब तो थोड़ा मौसम ठीक है, आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो। लेकिन आगे जैसे जैसे सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको डिटॉक्स वाटर में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम नॉर्मल वाटर में ही डिटॉक्स वाटर लेंगे, और जो टीज वगैरह होती हैं वो भी आप डेली बेसिस पे चेंज कर सकते हो, जो भी आप नवरात्रों में खाते हो तो उसके हिसाब से कोई भी ड्रिंक अपनी रेडी कर सकते हो। आप जीरा की टी रेडी कर सकते हो, आप दालचीनी और तेज पत्ते की कर सकते हो, आप अजवाइन की कर सकते हो, आप जैसे अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर बाहर का सूट नहीं करता, आप घर पे भी एप्पल साइडर विनेगर मैंने जैसे आपको बताया वैसे कर सकते हो। तरीके होते हैं कि आपको अपनी बॉडी
आपको कौन कौन सी टी देनी है, किससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि घरेलू चीज़ों के कभी नुकसान नहीं होते। अगर किसी कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, वो चाहे घरेलू ही क्यों ना हो, आपको उसे स्किप कर देना चाहिए। फोर्थ डे है और फोर्थ डे पे भी मैं एनर्जेटिक हूँ, वॉक कर रही हूँ, और आपने भी अपनी वॉक बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और आपको मैं बड़े दिल से खुशी की बात बताऊं, मेरी जो फ्रेंड थे, हम आपस में भाभी भी बोल देते हैं और फ्रेंड भी हैं, वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थे लाइफ से, बहुत ज़्यादा। और एक महीना पहले मैंने उनको मोटिवेट किया था, मैंने मोटिवेट नहीं किया था, मैंने उनको ना थोड़ा सा इंसल्ट किया था, इंसल्ट पॉजिटिव वे में। मैंने इंसल्ट नहीं बोल सकते, इंसल्ट होता है जब आप दिल से किसी को बुरा चाह के किसी को कुछ गंदा बोलते हो। मैंने उनको पॉजिटिव वे में बोला था, वो मुझे जब अपनी बातें सुना रहे थे मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो मैंने उनकी बातें सुनी। उसके बाद बोला, भाभी सारी चीज़ें छोड़ो, आप ये बताओ आप अपनी बॉडी के साथ कर क्या रहे हो, आप इतनी एज के हो नहीं जितनी एज के आप लगना शुरू हो गए। और मैं आपको बहुत दिल से बड़ी खुशी से बताती हूँ, उनका 1 मंथ में 8 kg लूज़ हुआ है और इंचेस इतने अच्छे खासे गिरे हैं, बहुत ज़्यादा। दिल से उनसे ज़्यादा खुशी जब उन्होंने मुझे अपना मेज़रमेंट भेजा, और जब उन्होंने मेरे साथ ही वॉक करते हैं वो, और जब उन्होंने मुझे अपना पिक खींच के भेजी कि आज का मेरा वेट ये है, दिल से बहुत खुशी हुई कि मेरा थोड़ा सा किसी को ज़रा सा कड़वा सच बताने का, मैंने उन्हें रियलाइज़ करवाया कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ा डिप्रेशन का ये भी रीज़न होता है कि हम लेडीज़ गिव अप कर देती हैं, हम सोचते हैं छोड़ना क्या करना, नहीं। अगर आप अपने आप को सुधारोगे, अपना वेट कम करोगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर लेके आना है। ये मत सोचिए सुबह उठ के आँखें सूजी हुई होती है, अरे मेरी भी तो हैं, क्या होता है इसमें कि हम फेस भारी भारी लग रहा है, अरे कुछ नहीं दिक्कत है। जिस टाइम हम पतले हो जाएंगे उस टाइम हमारा फेस का ग्लो ही अलग हो। वो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी हमारी दिल से होनी चाहिए, फेस वगैरह से कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब ये कर सकते हैं 1 महीने में 8 kg और बहुत ज़्यादा इंचेस कम, जिनके अंदर ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं था, बिल्कुल लाइफ से हार चुके थे, तो आप लोग भी कर सकते हो। ये अब मेरे से पहले से वॉक कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी उठिए, अपनी वॉक स्टार्ट कीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए, प्रॉपर खाना है, कोई भी मील आपने स्किप नहीं करनी। करते कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता, दिल करता है और वॉक करते रहें, पर घर के और काम भी देखने हैं। अगर आपके पास टाइम होता है आप ज़्यादा वॉक कर सकते हो, पर आपने डेली 10,000, तो सोचिए कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा है कि आपने 10,000 जब तक नहीं करने तब तक आपने अपनी वॉक ख़त्म नहीं करनी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि हमें लगता है 10,000 बहुत बड़ी बात है, तो आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो 4,000 या 2, या फिर कैसे भी अपने तरीके से कीजिए, 5 मॉर्निंग में कीजिए 5 आप बाद में कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे खासे मॉर्निंग में ही 10,000 स्टेप्स कर लेते हो, आप बॉडी वाइज भी मेंटली भी बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और दिल से खुशी होती है जो हमारे सामने हमारे, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी को देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मोटापे में होता है और वो धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो जाता है, दिल से बहुत खुशी होती है। आज फील हुआ कि जैसे एक कुम्हार होता है ना, वो घड़े को ऐसे सांचे में ढालता है, अपनी आँखों के सामने उसे बनाता हुआ देखता है, ऐसे ही मुझे हो रहा है। जैसे जैसे मैं अपने सामने जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जैसे जैसे शेप में आना शुरू हो रहे हैं, मुझे फीलिंग आती है जैसे मैं उनको वो शेप में लेके आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अपने आप को शेप में लेके आइए, लाइफ बहुत खूबसूरत है। क्यों मोटापे में आके हम अपनी फेवरेट ड्रेसेस को नहीं डाल पा रहे हैं, क्यों हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर रहे हैं, तो हमने बिल्कुल नहीं करना।
और फ्रेंड्स जब हम वॉक से वापस आते हैं तो हमें अपना एकदम पानी नहीं पीना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके ही पीना। और फ्रेंड्स आज मेरे बेटे की फरमाइश है बॉटल गार्ड, उसे बॉटल गार्ड बहुत पसंद है। और हर लेडी की ये कहानी होती है, उन्हें बच्चों के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। और मैं घिया को ऐसे काटने के बाद नहीं धोती, मैं पहले ही धो के फिर काटती हूँ। और बच्चों की फरमाइश होती है, अगर उनकी मर्जी का बनाते हैं तो खुश होके खाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए, ताकि उनकी जो ये गंदी आदत है, वो बाहर की चीज़ें खाते हैं वो ना खाए। और मेरी ये आदत है, मैं काम करते करते बीच में ऐसे सिप सिप करके पानी पीती रहती हूँ। और बहुत जरूरी, आपको हेल्दी रहना है तो प्लीज आप अपनी सब्जी को भी साथ के साथ काट के साथ साथ बनाइए। और जो आटा वगैरह होता है उसे भी आप साथ के साथ अगर बनाओगे और उसकी रोटियां बनाओगे, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रिज में रखा हुआ आटा आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लीज ये आदत चेंज कीजिए। और मैं सब्जी बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे ही बनाती हूँ, और आपने देखा होगा मेरी 2 मिनट की रेसिपी, मैं ऐसे ही करती हूँ। जल्दी जल्दी काम खत्म करने की मेरी आदत डेवलप हो चुकी है। और मैं जो घिया की सब्जी है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, देगी मिर्च जरा सा, मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूंगी और हमारा फैट कटर मसाला, और ये नवरात्रि वाला ही मैंने थोड़ा सा डाला है। और मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती, मैं हरी ही डालती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी, मैं हल्दी पहले भूल गई थी, जल्दी जल्दी में होता है। तो अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, मैं पानी वगैरह नहीं डालती, ढक देते हैं। और साथ के साथ जो आटा होता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट के लिए रख देते हैं और फिर उसे गूंथते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और बच्चों को ज़रूर हमें फ्रूट्स देना चाहिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और बेटों को यही होता है कि मुझे ये वाली शेप चाहिए, मुझे ये चाहिए। हर मदर की ये कहानी है, आप देख सकते हो। हेल्दी टिफिन में मैं उसे जरूर कुछ ना कुछ हेल्दी देती हूँ। वॉलनट्स बच्चों को जरूर दिया कीजिए, बच्चों का माइंड ग्रोथ होती है। और सुबह तो मेरी पूरी हालत ख़राब होती है, आप देख सकते हो 6:42 ही हुए हैं। और अब मैं पानी पीऊँगी, वो भी सिप सिप करके, साथ साथ में मेरी टी बन रही है। और अगर हम साथ साथ में काम करने की आदत होती है, ये डिटॉक्स वाटर मैंने रेडी की है। और मेरी ये आदत है, मैं एक प्लेट भी होती है उसे साथ के साथ धोती हूँ, तभी मेरा काम इतनी जल्दी जल्दी होता है। तो आप लोग भी ये आदत जरूर डालिए, और ऐसे ना जरूर अपना वाइप्स वगैरह लेके आइए। इससे हमारे जो किचन की शेल्फ होती है वो बहुत अच्छी रहती है। और बैठ के तो आपने झाड़ू पोछा करना ही करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें आपने अपने अंदर चेंज करनी है। और मेरी टी भी रेडी हो चुकी है, आप ऐसी टीज को जरूर अपने शामिल कीजिए। और ये आप देखिए, मैं पता नहीं कि सब मुझे साइको शायद बोले कि मैं साथ साथ में वर्क कर रही हूँ और साथ साथ में अपनी टी ले रही हूँ। और आज ज्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही थे। आप लोग खुद पे खुद का प्रेशर बनाइए, क्योंकि मैंने खुद पे खुद का प्रेशर बनाया था, तभी मैंने अच्छा खासा वेट लूज किया है। तो आप लोग भी अपने डाइटिशियन खुद बनिए, और कोई भी मील स्किप नहीं करना, ये माइंड से निकाल दीजिए कि आप पतले तब होंगे जब आप खाना छोड़ोगे। नहीं जी, आपने प्रॉपर मील लेना है, बैलेंस्ड मील लेना है, फिर देखना 30+, क्या हम 40+ भी हो जाएंगे तो भी हम शाइनी शाइनी फेस के साथ ग्लो ग्लो करेंगे। खाना छोड़ने से चेहरा मुरझा जाता है, पतले जरूर हो जाएंगे पर चेहरा मुरझा जाएगा। अराउंड 11:30 मैं अपने फ्रूट्स ले रही हूँ, मैंने हाफ ही बनाना लिया है और एक एप्पल लिया है। तो मेरा ये ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और मिड ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा दोनों। और इन्हें मैं, आप टाइम देख सकते हो, मैं इन्हें आधे घंटे में ख़त्म करूँगी। साथ में अपना वर्क भी कम कर रही हूँ मैं, और साथ में इनके बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो अपना फूड्स ऐसे वर्क करते करते भी खा सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि खाने को आपने लेके ही बैठना है तो ही आपने उसे खाना है। अगर आपके पास वर्क ज़्यादा है तो आप उसको काम को करते हुए भी खा सकते हो। अराउंड 1:30 मैं अपना डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ, ये मैंने मॉर्निंग में रेडी किया था। और इसमें एप्पल और एक इलायची और एक दालचीनी है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है।
अराउंड 2:30 मैं अपने ऐसे टमेटोज़ के साथ मैं पनीर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसे आपने अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है और इसके सीड्स बिल्कुल भी नहीं खाने, स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। नवरात्रों में हमें आज फोर्थ डे है तो वीकनेस फील ना हो आप जरूर नारियल पानी पी सकते हो। आज बहुत बड़ा नारियल पानी मैंने ये ऑनलाइन मंगवाए हैं, बहुत बड़े बड़े आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाहे लोकल मार्केट से चाहे जैसे भी अपने नवरात्रों में या वैसे भी वेट लॉस जर्नी में नारियल पानी जरूर शामिल कीजिए और इसे आपने कोशिश कीजिए कि इवनिंग से पहले ही लेना है। और अगर हम इसे खाली पेट लेते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारी हेल्थ बेनिफिट्स जिससे बढ़े और हमारी नी की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द की प्रॉब्लम, हमारी लेडीज़ को जो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है, आप ये ज़रूर ट्राई करना। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, फैमिली मेम्बर्स को भी। और आप इसे 10 से 15 दिन के लिए आप एयर टाइट एक कंटेनर ले लीजिए, उसमें इसे बिल्कुल बंद करके रख देना है और ये 10-15 दिन नहीं चलेगा, आप एक ही दिन में इसे ख़त्म कर दोगे, ये इतना टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स आपके साथ मैंने 2-3 रेसिपी शेयर की हैं, प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना। जब भी आपका क्रेविंग हो चलाई के लड्डू या और चीज़ें नहीं खानी, ऐसा कुछ खाना है, और जब भी आपको लगे कुछ आपका चटपटा खाने का दिल है या कुछ भी आपका स्नैकिंग का दिल है तो आपने कुछ भी अपना ऐसा कुछ हल्का फुल्का कर्ड में फ्रूट्स डाल के या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप सैलेड्स ले सकते हो, उनमें भी आप इसे डाल के खा सकते हो। फ्रेंड्स ट्राई करके और छोटी छोटी आदतों को चेंज कीजिए। जो हम बाहर का खाना खाने से सोचते हैं कि हमारी क्रेविंग दूर होगी, नहीं जी, घर के चीज़ों से होगी। और फ्रेंड्स जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यूज्ड है, मेरे बेटा कहते हैं मम्मा ये तो ना मूवी वाले पॉपकॉर्न है, क्योंकि मैं उसे कई बार वहाँ पे दिलवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई करके देखना। और फ्रेंड्स ये इतने अमेजिंग है, इतने टेस्टी है, आप इनकी रेसिपी जरूर ट्राई करना बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा था कुछ मैं अच्छा सा कुछ बना के आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन जैसे मेरी ना कमजोरी है, जब भी मैं मखाने वाली ये रेसिपी बनाती हूँ मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने एक गिलास दूध के साथ अपने ये मखाने ही लिए हैं, तो आपने ज़्यादा नहीं खाने, मुट्ठी भर ही आप खा सकते हो और आप इसका टेस्ट देखना, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आएगा। और कल मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई, मुझे कपड़े उतारने के लिए गई, मुझे पता ही नहीं कि मेरा मंगलसूत्र ऊपर ही गिर गया और मैं पूरा घर ढूंढ रही कि मेरा मंगलसूत्र गया कहाँ पे। तो पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन जब नहीं मिला, और यू कांट इवन बिलीव कि यूट्यूब ना मेरे लिए हेल्पफुल हुआ। मैंने जब मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद ढूंढती हूँ, पहले मैं ना अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तब मुझे पता चला कि वो तो खुला हुआ था, वीडियो में मुझे दिखा कि हाँ ये तो मेरा। फिर मैं छत पे गई, शुक्र है कि वो छत पे गिरा हुआ था, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होने वाला था, डांट पड़ती वो अलग। तो फ्रेंड्स आप भी ध्यान रखा कीजिए, जो हुक वगैरह होते हैं अपने मंगलसूत्र की अपनी चेन के, उसे अच्छी तरह से टाइट किया कीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की आदत है वो कोई भी चीज़ है ऐसे खींचता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो लूज़ हो गया था और वो खुल गया था। अगर घर में चीज़ गिरती है तो मिल जाती है, अगर बाहर गिरा होता तो मुझे ना मिलता। तो फ्रेंड्स आज हमारा फोर्थ डे भी कम्प्लीट हो गया और आज आंटी बोलते कि आज लग रहा है कि आपने फास्ट रखे हुए हैं, मतलब सूट डाला हुआ है या कुर्ता डाला हुआ है तो फास्ट रखे हुए हैं, अगर हमने ये चीज़ें नहीं डाली हुई तो फास्ट नहीं रखे हुए। ये हमारी सोसाइटी की एक सोच है, पर इसे हमें थोड़ा चेंज करना होगा कि हम मॉडर्न लड़कियां भी फास्ट रख सकती हैं और हम भी अच्छा खाना बना सकती हैं और वर्किंग लेडीज़ भी घर बहुत अच्छी तरह से चला सकती है। और ये छोटे छोटे बच्चे ना मेरा माइंड इतना अच्छा खासा रिलैक्स करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। बच्चों के साथ ज़रूर खेला कीजिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी बेटी, मेरी बेटी नहीं है ये, मेरी फ्रेंड की बेटी है, और ये जब भी मुझे देखती है बोलती है फ़ोन ऊपर कर लो कि वीडियो बनाओ।
और मेरा एक बेटा ही है, पर मेरी ना दिल से ख्वाहिश जरूर थी कि मेरी एक बेटी जरूर हो, क्यूट सी, उसके साथ मैं सेम सेम कपड़े डालूं। पर वही कहते हैं ना, किस्मत की बातें होती है, किस्मत से ही बेटियां होती है, मेरी किस्मत में। और फ्रेंड्स, आज हमारा नवरात्रे का 4th डे भी कंप्लीट हुआ। बड़ी खुशी मिलती है ना जब हम अच्छे से, और आज मेरा सॉल्ट फ्री हो गया। मैंने रेसिपी बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत हेल्दी है। जब भी आपको क्रेविंग हो, जब भी आपको भूख लगे, तो आपने चलाई के लड्डू नहीं खाने, आपने कोई चिप्स नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। आपकी नी में जो प्रॉब्लम है, आपको जो बैक पेन होती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी घरेलू चीज़ों से वेट भी कम करना है और अपनी हेल्थ भी ठीक करनी है। तो हैव ए नाइस डे। आज हमारा 4th डे भी कंप्लीट हुआ, अब 5th डे भी हम ऐसे ही हेल्दी हेल्दी खाना खा के कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।